बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आलिही सैयदना मुहम्मदिन व अस्सहाबिही सैयदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बाबा जान कहा करते थे कि बेटा, वालदैन तब नहीं मरते जब उनकी सांस चलनी बंद हो जाए या मनो मिट्टी तले दफन हो जाए, बल्कि वालदैन तब मरते हैं जब उनके पीछे बच्चे हाथ उठाकर उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगना छोड़ दें, वालदैन की कब्र पर आना छोड़ दें। अल्लाह पाक हम सब को अपने वालदैन के लिए सदकाए जारिया बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ेदार सा हेल्दी जूस बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं उनके साथ साथ आपको फ़ायदे भी बताते हैं, और साथ आज मेरी बेटी इस जूस को बनाने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले जो जूस हम जो चीज़ डाल रहे हैं वो है बीट रूट। बीट रूट के फ़ायदे ये हैं कि ये आपके स्टेमिना को बढ़ाता है एक्सरसाइज करने के लिए, लो ब्लड प्रेशर करने के लिए ये हेल्प करता है, आपकी मसल्स पावर को इम्प्रूव करता है, हेल्थ और वेट को मेंटेन रखता है, कैंसर से बचाता है, सोर्स ऑफ पोटेशियम है, गुड सोर्स ऑफ अदर मिनरल्स हैं, इसमें आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये आपके लिवर को सपोर्ट करता है। सेकंड चीज़ जो इस जूस में जाएगी वो है कैरेट। मेरे पास इधर पाकिस्तानी कैरेट अवेलेबल नहीं है इसलिए ऑरेंज कैरेट ली है, आपके पास पाकिस्तानी कैरेट हो तो गुड। कैरेट से क्या होता है, इसमें फाइबर है, कैलोरीज है, विटामिन ए, सी और के इसमें पाया जाता है। ये आईसाइट को इम्प्रूव करता है, ये आपकी स्किन को ग्लो करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है। थर्ड चीज़ जो इस जूस में जाएगी वो है ऑरेंज। ऑरेंज जो है वो बहुत ज़्यादा सोर्स है विटामिन्स का, मिनरल्स का, ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीबैक्टीरियल्स है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है और ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। डिटॉक्सिफाई करता है ये बॉडी को और एनीमिया से ये जो है वो उसको ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इन सब हेल्दी और न्यूट्रिशंस चीज़ों के साथ आज हम अपना जूस बनाएंगे जो आपकी स्किन और आपके बालों और पूरी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये जूस आप अगर सुबह खाली पेट एक हफ्ता भी पीते हैं तो 100% गारंटी है कि आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपको आई साइड में भी जो है फर्क महसूस होगा। और सेकंड चीज़ ये कि भई इसको जब आपने पीना है तो कुछ लोगों का जिनका बीपी लो रहता है या उनका सडनली बीपी लो हो जाए तो आपने इसके 10 या 15 मिनट बाद नाश्ता ज़रूर कर लेना है। इसको खाली पेट पिए, आपको बहुत ही इसके फ़ायदे नज़र आएंगे अपने बालों के लिहाज से, स्किन के लिहाज से। लेकिन इसको पीने के 15 से 20 मिनट बाद नाश्ता ज़रूर कर लें, बहुत ही हेल्दी है, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा बॉडी में, आपकी जो है रंगत साफ होगी, आंखों के में भी चमक आएगी, बहुत ही हेल्दी जूस है, इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको बीपी हाई का इशू नहीं है तो थोड़ा सा इसमें आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं या सिंपल टेबल सॉल्ट, उससे क्या होगा इसका टेस्ट जो है वो इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि समटाइम बच्चों को बीट रूट का जूस पसंद नहीं आता, लेकिन आप ऑरेंज और कैरेट डाल के दें तो उनको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। जब आपके जिस्म में फ्रेश ब्लड बनेगा तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का रखें ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में रखें यार। अल्लाह हाफिज़।